आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। गुमला जिला के सदर प्रखंड के गरसारू तेल गांव के निवासी प्रीतम लोहरा के लगभग 10 वर्षीय पुत्री और 45 वर्षीय पत्नी की वज्रपात की चपेट में आने से शुक्रवार की दोपहर मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रोकर हाल बुरा है। गुमला जिले के सदर प्रखंड के गरसारू तेल गांव के निवासी प्रीतम लोहरा के लगभग 10 वर्षीय पुत्री कृतिका कुमारी व करर देव उर्राव का लगभग 45 वर्षीय पत्नी गंदुरी उर्राव की वज्रपात की चपेट में आने से शुक्रवार की दोपहर मौत हो गई। जबकि इस घटना में गांव की एक लगभग वृद्ध कुंदन पहन नामक महिला घायल भी हो गई है। वहीं इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रोकर हाल बुरा है। इधर घटना के विषय में बताया जाता है कि कृतिका कुमारी गंदरी उर्राव व कुंदन पाहन एक आम के पेड़ के नीचे गांव में ही बैठे थे, तभी अचानक से मौसम खराब होने के बाद बूंदाबांदी के बीच में वज्रपात हुई, जिसकी चपेट में आने से दोनों अचेत अवस्था में गिरकर बेहोश हो गए, जिसके बाद एम्बुलेंस 108 की मदद से सदर अस्पताल आनन फानन में लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं इस वज्रपात की घटना में कुंदन पाहन घायल हो गईं। यहां बता दें कि 15 जून को वज्रपात की चपेट में आने से जिला के घाघरा प्रखंड क्षेत्र के बेलगड़ा में भी दो सगे भाई जो स्कूल जा रहे थे उनकी भी मौत हो गई थी। आए दिन क्षेत्र में वज्रपात की वजह से कई लोग जान गंवा रहे हैं, साथ ही पशुओं की भी काफी चपेट में आने से मौत हो गई है। बहरहाल जरूरत है, सरकार और प्रशासन को चाहिए कि संभावित क्षेत्रों में वज्रपात निरोधक यंत्र लगाने की, जिससे आम जन लोगों को वज्रपात की खतरे से बचाया जा सके। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट।